हेलो हाई यूरियन स्पार्क विवन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले आईटीसी शेयर्स के बारे में, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे बात करने वाले आईटीसी के बारे में, पर उससे पहले देख सकते हैं राइट नाउ आईटीसी 400 पे ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट अपनी सर्क्यूट को ब्रेक भी करते हुए दिखे, यहाँ पे नई 52 वीक हाई बनते हुए गए, देख सकते हैं 402.65 और यहाँ पे भी देख सकते हैं 402.65। तो ये आज के दिन का और ये 52 वीक हाई क्या है, तो आज अपनी 52 वीक हाई टच करते हुए दिखे। और इसके साथ एक लेटेस्ट और बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, आईटीसी बिकम्स 11th इंडियन फर्म टू क्रॉस 500 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो आईटीसी की तरफ से निकल के आ रही है। और इनफैक्ट अब कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन हो गई है 5 ट्रिलियन की, और यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। पर यहाँ पे अगर बात करें तो इस पॉइंट पे भी आते हुए तो मेन बात है, देख सकते हैं अभी इतनी ऊपर शेयर गई है, ठीक, और यहाँ पे एक अच्छा तेजी भी बनते हुए दिखा है और यहाँ से अच्छी खासी ऊपर जाते हुए दिखी है। एक टाइम पे जब ये शेयर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही थी, लोग पैनिक थे कि क्या होगा, पर उस टाइम भी एक अच्छा डिलीवरी होते हुए दिखा था। और अभी ये 52 वीक हाई टच करते हुए भी यहाँ पे एक अच्छा डिलीवरी देखने को मिल रहा है, 57.24%, एक छोटी नहीं बहुत ही बड़ी डिलीवरी है। और इतनी बड़ी डिलीवरी आप खुद समझ सकते हैं, मार्केट में बहुत ही अच्छा फ्लो है, आपको और प्रॉफिट बनते हुए दिख सकता है। पर यहाँ पे जो 57.24% की जो फ्लो बताइए, मतलब डिलीवरी होते हुए दिखिए, कि क्या आपको मार्केट में आगे ऐसा डिलीवरी होते हुए दिखेगा कि नहीं, इसके बारे में जानते हैं। पर वहाँ से एक चीज़ और समझने का बात आता है, यहाँ पे जो क्वार्टर फोर की रिजल्ट इसकी आते हुए दिखी थी वो भी बेहतरीन थी। इनफैक्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा फाइनेंस पार्ट पे चला जाता हूँ और अच्छे तरीके से समझता हूँ। यहाँ पे तो दिसंबर में देख सकते हैं ये अच्छी ग्रोथ क्रिएट की, उससे पहले भी ग्रोथ में कोई कमी नहीं, फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है और आपको प्रॉफिट बनते हुए लगातार देखने को मिलता है। आईटीसी एक ऐसे स्टॉक है जो एफएमसीजी सेक्टर में टॉप में आती है और ये टॉप क्लास का काम भी करके जाती है, मतलब इनकी बात करें मिडिल क्लास से चाहे हायर क्लास तक हर जगह पहुंच अच्छी खासी है। इनफैक्ट टायर वन टायर टू में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मार्च 30 तक में आई थी, वहाँ पे भी डिविडेंड 6 रुपीज़ का वहाँ पे भी डिविडेंड देते हुए दिखी, उससे पहले की भी डिविडेंड देख सकते हैं वहाँ पे भी 6.22 की डिविडेंड देते हुए दिखी है। यहाँ पे शेयर तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा फ्लो कर रही है, पर यहाँ पे जो मेन चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा कि फर्दर शेयर्स की स्ट्रांग सपोर्ट और टारगेट के साइड, तो वो जानते हैं। पर उससे पहले एक और चीज़ देखिए, 82% बाई करने बोला गया और 18% सेल, 82% बाई इस सिचुएशन में, मतलब एक अच्छी रेसिस्टेंस को, मतलब अभी उतना भी नहीं बोल सकती कि ये एक तरीके से ब्रेक होते हुए देखिए, पर हाँ ऐसा नहीं है कि अच्छी खासी ऊपर नहीं गई है, जस्ट वेट, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से जो हमेशा इस पॉइंट पे ट्रेड करती रहती थी, तो अब ये यहाँ पे अच्छी फ्लो बना दी है और यहाँ से एक अच्छा ब्रेक देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर थोड़े दिन कंसोलिडेट करते हुए दिखती है तो चांसेस बन सकता है कि आराम से और ऊपर जाते हुए आपको दिखेगी। टारगेट का बात करें तो 420 तक आप लोग टारगेट रख सकते हैं, सपोर्ट थोड़ा सा सपोर्ट पे बात करते हैं, पर उस सपोर्ट को समझना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, रेवेन्यू सब में कोई कमी नहीं होती, इनफैक्ट उल्टा और बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखी है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई कमी नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मतलब नॉर्मल वे में, और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होते हुए दिखी है। पर फॉरेन में देख सकते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं होते हुए दिखी है, अच्छी खासी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उठते हुए दिखी है। तो शेयर में पूरा का पूरा चांसेस बन सकता है कि और भी अच्छी फ्लो देखने को मिले। टॉप कंपनीज में आती है आईटीसी, इनफैक्ट बात करें एचयूएल की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो वो भी वन ऑफ द टॉप एफएमसीजी सेक्टर में वन ऑफ द टॉप कंपनी में आती है। यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रांग सपोर्ट क्या है, तो सबसे पहले तो इसकी स्ट्रांग सपोर्ट ही बनती है 390 की, इनफैक्ट 380 की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है, जो ब्रेक होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन तरीके का बात अगर हम करें तो नामुमकिन हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 380 टू 375 के रेंज में वर्क करते हुए दिखे, अक्कर उसके उससे कम में जाते हुए दिखती है। तो ऑफकोर्स मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि अपने शेयर्स को सेल कर दीजिएगा। इनफैक्ट शेयर सेल करने से ही कुछ नहीं होगा, उसके बाद जो जिस स्टेज पे आके ये कंसोलिडेट करते हैं वहाँ पे बाइंग कर लीजिएगा, तो आपको अच्छा चांसेस मिल सकता है प्रॉफिट बनने का।
शेयर्स बहुत ही बेहतरीन है, अभी देख सकते हैं फ्लो बहुत ही तगड़े तरीके से ऊपर जा रही है और बहुत ही अच्छा फ्लो बना रही है। इस सिचुएशन भी में भी आके 57% का होल्डिंग्स बना रही है, तो शेयर्स में अभी भी बहुत ही ज़्यादा दम है और ऊपर जाने का पूरा चांसेस बना रही है। तो आप लोग इस पार्ट पे डरिएगा नहीं, आराम से पैसा लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जस्ट बात कर लेते हैं एक बार ईपीएस के साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीज होते हुए दिखी है। इनफैक्ट लास्ट टाइम की भी रिजल्ट अच्छी है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम की रिजल्ट तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, पर वहाँ पे भी एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माई बेल आइकन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।